देखिए, हमने हरा प्याज काट दिया है और इसको धो भी दिया है। और अब हम और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। आज मैंने सरसों के तेल में बना रही हूँ सब्जी। और तेल गर्म हो चुका है, देखिए गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, इसको फ्राई होने तक पकाएंगे। थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब तक पकाएंगे इसको। और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर और इसको पकने देंगे। अब हम देखो प्याज पक चुका है और हम इसमें डालेंगे टमाटर। प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। टमाटर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। थोड़ा टमाटर को पकने देते हैं। देखिए टमाटर पक चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे मटर। हम इसमें डालेंगे हरा प्याज। अब हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हम इसको रख देंगे और इसमें मिर्च मसाले हम बाद में डालेंगे। थोड़ा देर पक जाएंगे उसके बाद ही हम इसमें मिर्च मसाले और नमक वगैरह डालेंगे। देखिए आज मैं हरी प्याज की सब्ज़ी बता रही हूँ आपको। कोई कोई इसको सिंपल भी बनाते हैं हरी प्याज की सब्ज़ी को। मैंने इसमें थोड़ा मटर डाला है और थोड़ा मैंने इसमें टमाटर भी डाला है। अब मैं इसको ढक देती हूँ और इसको 5 मिनट पकने देती हूँ। सब्जी कितनी पक चुकी है और ये देखिए थोड़ा बहुत पक चुकी है। अब हम इसमें नमक और मिर्च मसाले वगैरह डाल देते हैं। देखिए इसमें देखो पानी हो चुका है, देखिए सब्जी ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च, डालेंगे 1 चम्मच। आप अपने अनुसार डाल लीजिए जिस हिसाब से आप लोग मिर्ची खाते हैं। और पिसा धनिया डालेंगे हमें 1 चम्मच और हल्दी डालेंगे 1 छोटा चम्मच। और नमक हम पहले थोड़ा डाल चुके थे इसलिए हम थोड़ा सा ही डालेंगे, नहीं तो तेल हो जाएगा। 1 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे और अभी इसको मिक्स करते हैं। और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए जैसे पूरा ये जो पानी हो रहा है इसमें सूख जाएगा, उसके बाद ही हम गैस को ऑफ करेंगे। और अब हम इसको ढक देते हैं और अब इसको पकने देते हैं। देखते हैं अब हमारी सब्जी बन चुकी है या नहीं। देखिए और देखिए सब्जी पक चुकी है। देखिए इसका इसमें जितना भी थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर था वो सारा सूख चुका है। देखिए सब्जी तैयार हो चुकी है और ये मैंने रोटियां बना दी हैं। देखिए ये मैंने रोटियां बना दी हैं। अब हम करेंगे प्लेटिंग और अब मैं अपनी मम्मी जी के लिए थाली तैयार करती हूँ। देखिए सब्जी पक चुकी है और अब हम इसको डालते हैं कटोरी में। और देखिए मैंने ये खाना परोस दिया है मम्मी के लिए। देखिए रोटी और सब्जी देखिए पक चुकी है और गैस हम ऑफ कर देंगे। और मैंने अभी रोटी बनाई है,
देखिए। और आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।